होगी। तो मैं उस पहले नोट पैड पे आपको ऐड लिखना बताता हूँ कि कैसे ऐड क्रिएट होगा। यहाँ आपने एक सिंपल पेज लिया और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं प्रकृति एग्रो का एक ऐड बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के दिया, वो मुझे याद है, तो मेरा उनसे कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ लर्न टू लिव हेल्दी विद, लर्न टू लिव हेल्दी, बस सिंपल हेल्दी इन मुंबई। बंबई में हेल्दी रहना सीखें, फ्री अवेयरनेस एंड सप्लाई कंपेन बाय प्रकृति एग्रो। ये मैंने लिख दिया और यहां लिखा मैंने, डू यू वॉन्ट टू लिव हेल्दी, डू यू वॉन्ट टू मेक योर फैमिली हेल्दी, डू यू वॉन्ट टू सेव योर हार्ड अर्न मनी फ्रॉम डॉक्टर्स, Do you want to save your valuable life from life-taking diseases? ये मैंने चार सवाल लोगों के डाले, एक एड क्रिएट कर रहा हूं, बस सिंपल सी एड है। If your answer is yes, then please call Prakriti Agro. At 43454, जो भी मैंने एक नंबर लिख दिया, that's it. ये मैंने एक सिंपल सा एड लिख लिया नोट पैड पे, और इस सिंपल एड को अब मैं आपके लिए रन करता हूं। इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू माय व्हाट्सएप। मैं दोस्तों व्हाट्सएप में गया, व्हाट्सएप में मैंने अभी, मैं लैपटॉप से बना रहा हूं इसको, मेरे इंटरनेट की कनेक्टिविटी पुअर है आज। ऑन हो गया वो, देखना। हाँ इंटरनेट है नहीं। वेट करना, मेरा नेट थोड़ा सा आज इश्यू कर रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट हैपन फॉर यू।
it is going to connect. Thank you.
चलिए अब आवाज आ रही है आपको? यस, आपको मेरी वॉइस आ रही है अभी? ग्रेट, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी व्हाट्सएप मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, नेट कनेक्टिविटी वाईफाई बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गए और मैं मोबाइल पे आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं अपना वीडियो भी ऑफ करूँगा और आप को मैं आज के लेसन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी मैं आपको ये सारे एड्स बना के फिर आपको दिखाऊंगा। एज सून एज आई गेट कनेक्टेड मैं आपको अपने सारे एड्स फिर दिखाऊंगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ से आगे जो एड्स में कलरफुल टेक्स्ट कैसे रखते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक्स कैसे करते हैं, ये कार्रवाई मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पहले वो टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूं, तब तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी और फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो तो मुझे प्लीज यस लिखकर बता दीजिएगा चैट में। यस, बहुत बढ़िया। ये मेरी एक छोटा सा लेशन है आज हमारा कंप्लीट करने को, जिसमें एडवर्टाइजमेंट डिजाइन पार्ट टू, बेसिक एड डिजाइन करना हमने सीख लिया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड या इमेज माउंटेड या यूट्यूब लिंक माउंटेड एड्स कैसे बनाएं। अब जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उस टेक्स्ट में क्या बेटर हम कर सकते हैं, व्हाट बेटर वी कैन डू व्हेन वी आर गोइंग टू राइट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को कलरफुल कैसे बना सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी टेक्स्ट डिजाइन करने के काम में आती हैं। आप देखते होंगे व्हाट्सएप में अलग अलग तरीके का टेक्स्ट लिखकर आता है, वो कैसे लिखा जाता है, तो वो मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूं। पहले तो पोस्टर माउंटेड एड, यूज ऑफ नोटपैड, नोटपैड का मतलब है कि आप टेक्स्ट को पहले से कहीं मोबाइल पर लिख के रख लेंगे या व्हाट्सएप, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो आप वर्ड की फाइल में लिख देंगे। जैसे मैंने लिख के रखा है, देखिए मैंने क्या करके रखा है, मेरे पास एक वर्ड की फाइल है जिसमें सारे एड्स पहले मैंने डिजाइन करके रखे हैं। इनमें से जब भी मुझे जरूरत पड़ती है जिस एडवर्टाइजमेंट की, उसी एड का डेटा उठा के इमेज के साथ मैं माउंट कर देता हूँ या ग्रुप लिंक के साथ माउंट कर देता हूँ और वो एड मेरा चला जाता है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आप भी कहीं अपने एड्स को क्रिएट करके रख लें। मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? अभी मैं, यस, ये आपको रखना है। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में रख लेंगे और अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो आपको इसको नोटपैड में रखना है। मोबाइल पर एक नोटपैड होगा आपके पास या गूगल डॉक्स में रखना है, आइदर मोबाइल नोटपैड, मोबाइल पर आप रखेंगे नोट में, मोबाइल पर एक नोटपैड होता है, या गूगल डॉक्स में, और अगर लैपटॉप पर काम करते हैं तो मैं चैट में लिख के बता रहा हूं, प्लीज चैट में देखें। लैपटॉप पर काम करते हैं तो लैपटॉप पे नोटपैड में रख सकते हैं या गूगल डॉक्स में रख सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है, यहां पर आप अपने एड्स को डिजाइन करके रख लें और वहां डिजाइन करने के बाद जब इसकी जरूरत पड़े तब आप अपने व्हाट्सएप में इसको कॉपी करके ले जाएं और वहां एड इमेज के साथ क्रिएट करके आप इसे अपना एड बनाने के काम में ले सकते। तो ये है हमारा नोटपैड का काम एड डिजाइन में। ये हमने सत्या ने जरूर बताया होगा, नहीं बताया तो मैं कवर कर देता हूं। नोटपैड हम एड डिजाइन करने के लिए हमेशा आज के बाद यूज करेंगे, डायरेक्ट हम सीधे व्हाट्सएप में नहीं लिखेंगे, हम कहीं से पहले उसको एडिट करके रखेंगे अपना टेक्स्ट
क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, वॉट एवर लैंग्वेज वी राइट इंस्टेंटली, उसमें कोई एरर हो सकता है। तो पहले से लिखी हुई राइटिंग आपकी, टेक्स्ट पहले से डिजाइन किया हुआ, उसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, जब तक आपका क्लाइंटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एड का टेक्स्ट आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है। इज दैट विजिबल नाउ? अभी विजिबल है? अभी विजिबल हो गया होगा? अभी विजिबल हो गया होगा आपको? और हमें भी कनेक्टिविटी वापस आ गई, अब हम उम्मीद है आगे हम ठीक से चल पाएंगे। प्लीज, आपने वेट किया, आपका टाइम खराब हुआ, सॉरी, बट हमें कनेक्टिविटी मिल रही है और अब हम आगे चल पाएंगे। जस्ट गिव मी वन मिनट। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है हमें? मैंने आप सबके माइक्स को अनम्यूट करने का राइट आपको दे दिया। प्लीज कोई एक माइक सामने से ओपन कर लेंगे और मुझे बताते चलेंगे। ठीक है, अनम्यूट है सर। चलो, ग्रेट, थैंक यू। तो अभी यहाँ मैं वहीं से शुरू से लेके चलता हूँ आपको कि इमेज माउंटेड एड को कैसे हम रखेंगे या कैसे हम एड्स को इमेज माउंटेड बनाएंगे। बिल्कुल शुरू से वहीं लेके चलता हूँ। हाँ, डॉक्टर विजय अग्रवाल, ये बिल्कुल डिजिटल इमेज है मेरे वॉलपेपर में। और यहाँ मान लिया मैं आपको ये मेरा व्हाट्सएप है और यहाँ वो एड बनानी है इमेज वाली। तो एड एडवर्टाइजमेंट टाइप वन, मैं पहली टाइप का एडवर्टाइजमेंट आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने कहीं से भी जाकर एक इमेज जो मैंने बनाई थी उसको मैं यहां कॉपी करके लाऊंगा और वो इमेज मान लिया प्रकृति एग्रो की थी। ये देखिए, प्रकृति एग्रो की मैंने यहां इमेज ले आया और वहां मैंने प्रकृति एग्रो का एक जगह पे अभी टेक्स्ट लिख के रखा था ऑलरेडी। एक जगह मैंने इमेज रखी थी, एक जगह टेक्स्ट रखा था। अब व्हाट्सएप पे जब मुझे ऐड क्रिएट करना है तो पहले मैंने इमेज को सेलेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, उसके साथ ऐड कैप्शन में नीचे मैंने जो टेक्स्ट रखा था उसे कॉपी करके ले आया। बहुत सिंपल काम किया। और इसको जैसे ही मैंने ऐड में डाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, मुझे बता सकते हैं सामने से किसी को, कोई मुझे, कि ये ऐड बन गया? जी सर। यस, ग्रेट। तो ये एक एड हमने क्रिएट कर दिया और ये एड इमेज माउंटेड एड कहलाता है। इमेज माउंटेड यानी इमेज ऊपर है और नीचे मैंने ट्रेलिंग टेक्स्ट लिख दिया, सिंपल। इसी को अगर मैं प्रकृति एग्रो का कई, अगर कोई वीडियो हो यूट्यूब पर, उस वीडियो के साथ कैसे माउंट करूंगा आप देखना। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल, पूछ सकता हूं? यस प्लीज। अरे ग्रुप में मैं जब ऐड बना रहा था पिक्चर माउंट,
इमेज बाउंड एड में बना रहा था तो एड मैंने पिक्चर तो डाल दी, उसके बाद जब मैं कैप्शन में इसको डिस्क्रिप्शन डाल रहा था तो उसको ले नहीं रहा था, वो कह रहा था लेंथी है, कुछ ज्यादा लेंथी है क्या है, छोटा है। यस यस यस, नहीं वो बहुत ज्यादा लेंथी होगा तो वो इसे नहीं लेगा, कैप्शन में नहीं लेगा। कितनी लिमिट होती है इसमें? इसकी करीब 20 लाइंस, 20-25 लाइंस तक ये ले लेता है, उससे ज्यादा लोगे तो नहीं लेगा ये। और यस, दोनों को फॉरवर्ड साथ में कर सकते हो। विनोद जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों को फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ ऊपर फॉरवर्ड मैसेज आता है आपके पास मोबाइल में, आप ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यहां से अगर यहां से फॉरवर्ड करोगे ना इसको, यहां से फॉरवर्ड, तो मैं इसको यहां से फॉरवर्ड करूंगा तो आप देखना ये सिर्फ इमेज जाएगी। मैंने इसको फॉरवर्ड किया, मान लिया, वापस ट्रेनिंग में ही करता हूं, ये लीजिए सिर्फ इमेज गई, कैप्शन नहीं गया। तो इसका फॉरवर्ड करने का तरीका है कि इसको जब भी फॉरवर्ड करेंगे इसको सेलेक्ट करके, और ऊपर फॉरवर्ड करने का एक ऑप्शन आता है, ये लैपटॉप में से नहीं मोबाइल में से ये ऑप्शन जरूर मिलता है, उसे भेजोगे तो वो उसके साथ फिर यहाँ लैपटॉप से नहीं आएगा, मोबाइल से जब भेजोगे फॉरवर्ड करके तो वो पक्का जाता है। मैं आपको मोबाइल से इसको करके और दिखा दूंगा अभी। मैं एक मिनट मोबाइल भी कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपको ये बात भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इमेज माउंटेड में हमेशा इश्यू आता है। सर वो मोबाइल पे थ्री डॉट्स को क्लिक करना है? हाँ बिल्कुल, थ्री डॉट्स को क्लिक करना है, एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे मोबाइल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्री डॉट्स को क्लिक कर। यस प्लीज सर, एक बार प्लीज बता दो ना, एक बार मैं कर रहा था ऐसे मुझसे हुआ नहीं, इमेज गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश अभी एक बार मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। सर थ्री डॉट को खोलेंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा, एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस ड्रॉप डाउन में फॉरवर्ड ऑप्शन होगा। एक मिनट मैं करके ही बताता हूँ सर, एक बात क्लियर ही हो जाए। दो ऑप्शन आते हैं, एक इन्फो और शेयर। जी प्लीज, किसी का माइक ओपन है फिर बंद कर लें आप, बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं, पर प्लीज माइक पर कंट्रोल रख लें, आज रादर बहुत टाइम हमारा खराब हुआ है, फिर भी अगर हम टॉपिक भी पूरा कर पाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सर आज की क्लास में को मेरी जी, हेलो सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही सर। हेलो जी, प्लीज आवाज आ रही है? आवाज यस। यहां से अब आप देखेंगे ऊपर सर, आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रही अपनी ना? जी सर, एक्चुअली मैंने क्या सारी कुछ समझ नहीं आ पाया, मतलब मैंने अभी कुछ शुरू तो आज हमने किया क्या है और क्या हम अभी हमने कुछ शुरू भी नहीं किया सर, मैं बस शुरू कर रहा हूँ, पहली बोनी कर रहा हूँ आपसे, यानी अभी मैंने शुरू करना है टॉपिक, अभी तक सब सिर्फ डिस्टरबेंस गया है क्लास में। तो यहाँ से आगे आप ये समझना कि जो कुछ हमें बताना है, जो कुछ सीखना है, वो यहाँ से आगे होगा। आधा घंटा हमने आज अपना खराब किया है, सॉरी। लोकमान सर ये अब ये शेयर करके जा रहा है, पूरा मैसेज भी जा रहा है? नहीं मैं बिल्कुल आपको ही बता दूं, यहाँ ऊपर दो ऑप्शन है, एक तो शेयर का ऑप्शन है आपके पास, ये जो त्रिशंकु दिखाई दे रहा है वहां, उससे भेज सकते हैं आप, और ये मैं भेज रहा हूँ, मैंने भेजा अभी बना के, जा रहा है? हाँ जा रहा है सर, मैंने भेजा भी ग्रुप में अपने B6 में फॉरवर्ड किया, तो शेयर करने पे मैसेज, देखिए अब ये शेयर में मैसेज साथ जाएगा, ये गया पूरा मैसेज गया। तो आज की पहली लर्निंग ये है कि इमेज माउंटेड एड को अगर मुझे टेक्स्ट के साथ भेजना है तो जो हमारा नॉर्मल फॉरवर्ड करने का तरीका था उस तरीके से वो फॉरवर्ड नहीं होगा, उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करके और टॉप पर यहाँ शेयर का जो ऑप्शन है, ये जो त्रिशंकु बना हुआ है ये वाला, यहाँ क्लिक करेंगे
तो उस पर आप क्लिक, पहले ये शेयर में आता था सर, आपने बिल्कुल कहा था कि वो थ्री डॉट्स में होता था पहले, फिर इसको बाहर निकाला है इसका ऑप्शन व्हाट्सएप ने, अब यहां इसको सेलेक्ट करेंगे फिर ये जाएगा। तो ये बात क्लियर है, मैं समझता हूं ये बात अब हमारी क्लियर हो गई। यस सर। हाँ, अब दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसी एड को YouTube माउंटेड एड कैसे बनाऊं। तो YouTube माउंटेड एड बनाने के लिए ये सामने दिखाई दिया आपको, जो मैंने किया अभी तक दिखाई दिया? दिखा सर, दिखा। अच्छा, चलिए अब मैं नहीं दिखा तो ये देखिए, ये है ये वाला ऑप्शन। मैं फिर रिपीट करके बार बार बता देता हूं कि आज जितना कवर हो उतना बढ़िया है। यहां मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर ये जो शेयर वाला बटन है राइट साइड से तीसरा, जिसमें दो गोले वाली दो जिसके हाथ बने हुए हैं डिलीट के बगल में, इसको मैंने प्रेस किया और प्रेस करके फिर मैं इसको जहां भी भेजूंगा ये इसको साथ ले जाएगा, टेक्स्ट और इमेज दोनों साथ जाएंगी। और ये मैंने भेजा और ये देखिए ये दोनों चले गए। तो ये इमेज माउंटेड एड बनाकर उसको फॉरवर्ड करने का तरीका है, ये चला गया। अब मैं चाहता हूं इसी में मैं कैसे YouTube ग्रुप भेजूं, YouTube का लिंक भेज दूं, YouTube का मेरा अगर कोई वीडियो है तो उसको कैसे भेजूं। तो बहुत सिंपल है, अभी मोबाइल स्क्रीन तो दिखाई दिया होगा आपको, दिख रहा था जी। देखिए अब यहां मुझे अब पहले YouTube पर जाना है और YouTube पर जाने के बाद वहां से कोई भी अपना हमारा मान लिया पिछली क्लास का YouTube का लिंक ले लेते हैं, ये वाला मैंने पिछली क्लास का YouTube का लिंक यहां से कॉपी कर लिया और मैंने क्या किया उस लिंक को जाके WhatsApp दिखाई दे रहा मेरे स्क्रीन पे आपको सबको? जी सर। यहां मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर मैं अपने नोटपैड पे गया और नोटपैड से फिर मैंने अपना टेक्स्ट कॉपी किया, वापस मैं व्हाट्सएप पर आया। अब इसके ट्रेलिंग में मैंने वो जहां पहले मैं इमेज रख रहा था वहां मैंने सबसे ऊपर पहले रखा YouTube का लिंक। YouTube का लिंक रखने के बाद मैंने वेट किया एक सेकंड दो सेकंड के लिए, जब तक कि यहां मेरी उस YouTube के लिंक की इमेज नहीं बन गई। जैसे ही वो इमेज बनी नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा, अब इसको मैंने फिर भेज दिया और ये देखिए अब ये YouTube लिंक माउंटेड एड बनी, YouTube लिंक माउंटेड एड। अब ये यहां से जब भी आप इसको प्ले करोगे ये यहां से YouTube का लिंक प्ले हो जाएगा और ट्रेलिंग में टेक्स्ट है ये लीजिए। इसके लिए मतलब अपना YouTube में होना चाहिए सर, कुछ तभी भेज सकते हैं। हाँ, आप लिंक भेज रहे हो ना सर, पहले आपका वीडियो होना चाहिए, आपके YouTube से कोई भी अपना वीडियो का लिंक कॉपी करके ले आओ और उसके साथ आप टेक्स्ट रख दो। तो इसको कहते हैं YouTube लिंक माउंटेड एड। दो तरह के एड क्रिएट हो गए हमारे। तीसरा था व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड एड। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड एड क्या था, ये मान लिया ये मेरा मैं किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शामिल करने के लिए और उसका मेंबर बनाने के लिए, जैसे ये मेरा मार्गदर्शन गुरु हेल्थ है। अब मार्गदर्शन गुरु हेल्थ का मैं लिंक लेके आता हूं इसका, तो मैंने इसको लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद मैं वापस मेरे उसी पेज पर पहुंचता, इसको मैंने यहां रख दिया टॉप पे। ध्यान रहे हमेशा टॉप पे रखना है मुझे उसे, और फिर मेरा टेक्स्ट ट्रेल करके ले आया। मान लिया ये प्रकृति एग्रो का होता, मैंने फिर वही टेक्स्ट रख दिया। अब ये देखिए सबसे ऊपर एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की तस्वीर आएगी, जो लोगों मैंने अपने ग्रुप में रखा हुआ है उसकी तस्वीर आएगी। और ब्यूटी ये है कि आप जब नीचे देखोगे तो यहां मेरे पास व्यू ग्रुप आ रहा है क्योंकि ये ग्रुप मेरा है, पर अगर आपको मैं इसे भेज दूं तो आपके पास ज्वाइन ग्रुप लिख के आएगा, देखना
मैं अगर इसी को फॉरवर्ड कर रहा हूं आपको आपके ग्रुप में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, आपको ये ज्वाइन ग्रुप दिखाई देगा, मुझे ये व्यू ग्रुप दिखाई देगा क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया है। प्लीज आपका टीवी किसी का चल रहा है बंद कर लें, माइक बंद कर लें, टीवी भले ही चलने दें। ये मैंने यहां से भेजा है, अब B6 में आप देखेंगे तो वहां आपको ज्वाइन ग्रुप आएगा। सर एक क्वेश्चन था जी, प्लीज। सर जैसे मान लीजिए ये आपने जो भेजा है तो उसके लिए मान लीजिए मुझे एक ग्रुप बनाना, मैंने बनाया दीपक फ्रेंड। अब दीपक फ्रेंड नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया मैंने, अब इसमें किसी को ज्वाइन कराना है तो इस ग्रुप में ये मैसेज भेजेंगे या उस पर्सनल आदमी कोई और कुछ लिंक भेजेंगे? नहीं, आप ये लिंक लेके लोगों के व्हाट्सएप पे भेजेंगे और कोई भी आदमी अब ये उस लिंक पे बटन दबाएगा ज्वाइन करेंगे तो हमारे दीपक ग्रुप, यस, वो जैसे ही बटन दबाएंगे इस लिंक पे वो लोग ऐड हो जाएगा, दीपक फ्रेंड में ऐड हो जाएगा वो आदमी। ये ब्यूटी है इसकी। ओके जी, वेलकम। तो ये अब हमें तीन चीजें क्लियर हो गई कि व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड एड कैसे बनती है, इमेज माउंटेड एड कैसे बनती है और यूट्यूब लिंक माउंटेड एड कैसे बनती है। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और पूछनी थी जी, प्लीज जो जो क्वेरीज हैं क्लियर करें। ये सर इसमें जो जो इमेजेस हम डाल रहे हैं जी, हर बार हमें डालनी पड़ेंगी एड भेजते टाइम? ये कहीं स्टोर होके टेक्स्ट के साथ नहीं रह सकती? नहीं, ये इमेज जो आप डाल रहे हो ये इमेज आप अपनी गैलरी से सेलेक्ट किया आपने एक बार, वन टाइम। अब जब इसको बार बार लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो बार बार इसको गैलरी से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। द सेम एड कैन बी फॉरवर्डेड एक बार के लिए हो गया, एक बार के लिए 10 दिन बाद फिर भेजना है हमें। सर एक सवाल था, हमें इमेज वहां से गैलरी से उठानी पड़ेगी जी। सर एक सवाल था, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ जी, पहले उनके सवाल का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि ये इमेज 10 दिन बाद फिर एड बनानी है, अगर सेम एड ही भेजनी है तब तो आपको नहीं उठाना, पर अगर एड को ऑल्टर करना है, एड को ऑल्टर करना है तो आपको फिर वो दोनों कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, या आपके डिजाइंड एड को ही आप जब फॉरवर्ड करोगे तब उसके टेक्स्ट में ऑल्टरेशन कर सकोगे, टेक्स्ट में ऑल्टरेशन। जैसे मैं करके बताता हूं, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बारीकियां आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको वापस, सर ये एट ए टाइम सिर्फ 5 ही लोगों को जाता है ना शायद, क्योंकि अभी व्हाट्सएप में मैं भेजता हूँ मैसेज ना तो 5 ही लोगों को जाता है, 6 लोगों को नहीं लेता। अभी 5 को जाएगा, पर अगले 5-7 दिन बाद जब वो टॉपिक हम कवर कर लेंगे तब ये एड 25 को चला जाएगा, 50 को चला जाएगा, 250 को चला जाएगा, 500 को चला जाएगा। अभी 5 अभी 5 को जाएगा, जब अपन टॉपिक कवर करेंगे तो बल्क क्वांटिटी में जाएगा वो बाद में। यस, वो बल्क क्वांटिटी में जा सकेगा। तो वो जो आप बाद में सिखाएंगे वो जनरल व्हाट्सएप के लिए भी लागू होगा और व्हाट्सएप बिजनेस के लिए भी लागू होगा क्या? बिजनेस के लिए लागू होगा वो सर, बिजनेस के लिए लागू होगा, जनरल व्हाट्सएप के लिए नहीं। जनरल व्हाट्सएप के लिए वो नहीं लागू होगा अभी। मैं एक मिनट, नहीं लगूंगा, नहीं लगूंगा, नहीं लगूंगा। वो मेरा क्वेश्चन आंसर कर रहे थे आप, मैं वो पहले ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सर आपको करके, मैं स्क्रीन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज थोड़े हर्डल ज्यादा हैं स्क्रीन पे। अरे आलो ना, हेलो
स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर आपको? जी हाँ, जी हाँ जी। ये इमेज वाला व्हाट्सअप था, आपका क्वेश्चन ये था कि जो इमेज वाला है मुझे अगर अब फ्यूचर में इसको एक लाइन चेंज करनी है इस एड में तो क्या मुझे ये सारी एक्सरसाइज वापस करनी पड़ेगी, यही क्वेश्चन था आपका। राइट। मुझे क्या करना, इसी को फॉरवर्ड जब मैं करूंगा ऊपर सेलेक्ट करके, आप सब प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत मेहनत लगती है अगर नहीं पता चले तो। मैं इसको वापस आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ पर एक लाइन मुझे चेंज करनी है, प्रकृति एग्रो में डेट चेंज कर लिया मान लिया, यहां मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, अब यहां मुझे ये नीचे कैप्शन में लिखा हुआ दिखाई देगा, यहां मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं, इमेज और टेक्स्ट एक साथ आया था, मैं नीचे फोन नंबर चेंज करता हूं, लास्ट का 53 की जगह 35 करना है मुझे, कर दिया, वापस चला गया, सिंपल। तो मुझे ये वापस इमेज को और टेक्स्ट को दो बार उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने तो सेलेक्ट करने पे ही एडिट कर सकते हैं। यस, मैं जब फॉरवर्ड कर रहा था तब कैप्शन को मैं वहां एडिट कर सकता हूं, जो भी टेक्स्ट है जब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं उसे मैं शेयर के टाइम पर एडिट कर सकता हूं, ये मेरे पास अवेलेबल है फैसिलिटी। तो ये क्लैरिटी हो गई कि जब जब मुझे चेंज, अगर कोई टेक्स्ट में ऑल्टरेशन करना है तो मुझे वापस किसी इमेज को या टेक्स्ट को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इमेज माउंटेड से संबंधित तीन मेजर चीजें थी, बनाएं कैसे, फॉरवर्ड कैसे करें और एडिट कैसे करें, तीनों कवर हो गए हैं। और अगर आज के लेसन में हम इतना भी कवर कर गए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज इसी में और पूछनी थी कि जैसे हमने ये टेक्स्ट तो हमने नोटपैड में या वर्ड में कहीं हमने रखा है सेव करके जी, पर इमेज हमारी वहां पे वो भी हम उसको रखेंगे उसी में, इमेज भी उसी में हम कॉपी करके रखेंगे? नहीं, इमेज तो गैलरी में रखी होगी आपकी, इमेज गैलरी में रखी होगी। तो नेक्स्ट टाइम 10 दिन बाद हम जब बना रहे हैं दोबारा ऐड भेजना चाह रहे हैं, अब सुनो तो, आप ये कार्रवाई भी सुनो, मैं आपने ये क्वेश्चन, आप पहला ग्रुप है ये जो इतनी बेहतरीन तरीके से एड्स को सीख रहा है रियली, और भले ये क्लास एक एक्स्ट्रा लगती हो, आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप ये अपने सारे, विजय जी मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा, आप अपने एड के सारे क्वेश्चंस क्लियर करके जाना, जिनके पास टाइम है वो 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, आप देखेंगे सर, सही बोले तो पिछली बार नहीं समझ में आता, आज पूरा समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम दोनों अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक से समझ में नहीं आए, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मुझसे नहीं समझ में आएंगे, भाई बहुत अच्छी तरह समझाएगा। तो यहां मैंने क्या किया है, मेरा ये डी में एडवर्टीजमेंट का पूरा फोल्डर है मेरे कंप्यूटर पर, इस फोल्डर में मैंने क्या किया, एड डिजाइन के नाम से ही एक फोल्डर बना दिया, इसमें मैंने वही इमेज रखी है जो मेरे एडवर्टीजमेंट में काम आती है, ताकि मुझे दोबारा फिर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। दूसरे फोल्डर में मैंने बैकग्राउंड की इमेज रखी है, जैसे मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये इसमें कहीं ना कहीं सेव होगा, ये देखो ये राया, और तो ये ऑलरेडी रखा है मेरे पास, तो मुझे वापस इंटरनेट पर जाने की जरूरत ना पड़े, सब चीजें हैंडी रखी है, क्योंकि आपकी बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आप एक फोल्डर में रख लो, तो जब भी एड डिजाइन करना हो फट से यहां से डेटा लिया, टेक्स्ट यहां से उठाया, इमेज यहां से उठाई, बिजनेस पिक्चर्स मैंने यहां अलग रख ली हैं, ये पूरी बिजनेस पिक्चर्स यहां है, वेबसाइट रिलेटेड सारा मटेरियल एक जगह रख लिया है। तो आप भी अपनी जितनी इमेजेज, क्योंकि इमेज बनाने में आपको मेहनत लगेगी, हो सकता है एक एक इमेज में 2-2 घंटे लगे, और वो कस्टमाइज्ड इमेज जो आपने मेहनत कर दी उसको गैलरी के भरोसे मत छोड़ना, गैलरी में एक फोल्डर बना दो, मोबाइल की गैलरी में भी एक फोल्डर बना दो प्रकृति एग्रो, और प्रकृति एग्रो में एक फोल्डर बना लो कि ये एडवर्टाइजमेंट इमेजेज आज रात एक पसंद करी। तो आपने एडवर्टाइजमेंट इमेजेज बना दिया तो आपकी सारी की सारी एड इमेजेज एक जगह मिल गई, टेक्स्ट एक जगह रखा मिल गया, YouTube के लिंक आपके YouTube फोल्डर YouTube में है, तीनों चीजें होगी, तो आपके पास एड का सारा मटेरियल एक जगह अवेलेबल हो गया,
अब आप जब चाहें तब वहां से आप अपने एड्स को डिजाइन करने के लिए टेक्स्ट उठा सकते हैं। हो गई क्लैरिटी? अब डॉक्टर विजय अग्रवाल, आपका क्वेश्चन था, प्लीज वो पूछ लें। अब जो कैप्चर करना, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। नहीं दे रहा सर। सर इससे एक समझ में आ गया कि हमें अपनी लाइब्रेरी पूरी रेडी रखनी है, जहाँ पे एक फोल्डर बना रहेगा उसको नाम दे देने का, इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो लिंक है और बैकग्राउंड इमेजेस है, जो भी चाहिए जी। तो एज एंड व्हेन वी रिक्वायर वी हैव टू इमीडिएटली पिक अप एंड डू द जॉब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें लास्ट मिनट पे देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, अगर आप सिर्फ मोबाइल से ऑपरेट करते हैं तो गैलरी में जाके आप अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लें, और अगर लैपटॉप पर हैं तो आप अपनी डी ड्राइव में, कभी भी कंप्यूटर की सी ड्राइव में आप अपना बिजनेस डेटा मत रखना। नहीं रखेंगे ये हमेशा, क्योंकि जिस दिन आपकी सी ड्राइव फॉर्मेट हुई, कंप्यूटर क्रैश हुआ, आपका बिजनेस डेटा उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी कंप्यूटर की सी ड्राइव में आप अपना डेटा नहीं रखें। डॉक्टर विजय अग्रवाल ने कहा हाउ टू एडिट द कैप्शन व्हेन करेक्टिंग योर प्रीवियस एड सेंट। यस वंडरफुल, मैं वापस रिपीट करता हूं डॉक्टर विजय, और उसमें हमें क्या करना है, ये मेरे पास व्हाट्सएप है विच आई थिंक वुड बी विजिबल टू यू, एंड दिस इज वन ऑफ द एड, एंड नाउ आई वॉन्ट टू एडिट समथिंग इन दिस पर्टिकुलर एड, आई वॉन्ट टू चेंज द डेट और सम टेक्स्ट, तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट। मैंने इसको फिंगर टच करके सेलेक्ट किया, अभी देखो कलर चेंज हो गया। मैं इसका मतलब आपको मैं ये फिंगर टच जैसे ही कर रहा हूँ, ये यस अब ये कलर चेंज हो गया। नाउ ऑन द टॉप देर इज अ बटन, थर्ड वन बटन, थर्ड वन लिंक फ्रॉम राइट साइड, एंड दैट इज लाइक अ त्रिशूल। उस पर जैसे क्लिक किया, अभी ये फॉरवर्ड करने के लिए मैं इसको जा रहा हूँ हमारे ग्रुप में, और ग्रुप में मैंने B6 सेलेक्ट किया, मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया। नाउ दिस इज द मोमेंट व्हेन वी कैन चेंज दिस एडवर्टीजमेंट। इस एड को यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ ऊपर इमेज है और कैप्शन में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कैप्शन में टेक्स्ट। अब यहाँ जो कैप्शन में टेक्स्ट है, इसमें मुझे चेंज करना है प्रकृति एग्रो, मान लिया प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, PVT LTD, भगवान करे उनकी कंपनी जल्दी प्राइवेट लिमिटेड बने। मैंने लिखा और मेरा एडिट हो गया और बस फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया। नाउ अभी देखेंगे आप प्रकृति एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, नीचे मेरा ऐड हो गया, दैट्स इट, सिंपल। तो आप ऐसे करके इसको एडिट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर, अगर ये इमेज चेंज करना चाहूं तो? यस, इमेज चेंज अगर करनी है तो आपको फिर से नया एड डिजाइन करना चाहिए। हाँ, इमेज अगर, क्योंकि इमेज चेंज करके लाओगे, और वो बहुत सिंपल है, फिर से आप अपनी गैलरी में से एड, आप इमेज को ले आओ, हाँ यहाँ से सेलेक्ट किया, देखो यहाँ से सेलेक्ट किया, जहां ये बटन है ना पिन, जहां से हम अटैच करते हैं, गैलरी में गया, और गैलरी में जहां भी आपकी इमेजेस पड़ी हैं, मान लिया मेरी कोई और इमेज मैं लगा देता हूँ इसमें, तो चलो मैंने ये इमेज मेरी लगा दी, इसका सॉरी कैप्शन नहीं भेज सका मैं, वापस डालता हूँ, मेरी योगा की इमेज है, माफ करना, मैं योगा वाली इमेज मैंने ली, सेलेक्ट किया, और यहाँ आप अपने कैप्शन को कॉपी कर देंगे। मान लिया मैं कैप्शन अभी मेरे पास कॉपी करने को नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ योगा फैमिली, ये हमारा सेलिब्रेशन का एक फोटो है, तो प्लीज परेशान मत होना कि ये ग्रुप में व्हाट्सएप योगा फोटो कहाँ से आ गई। तो यहाँ कैप्शन आप ट्रेल कर सकते हो, ये आपको बहुत हैंडी है, दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एड कैसे क्रिएट होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपका लूंगा, आप कुछ कहना चाहते हो, मैं जरूर लूंगा, एक बात मुझे याद आई है वो मैं आपको ऐड कर दूं।
किसी ने मुझे पूछा था कि वहां मैं कैप्शन लंबा लिख रहा था पर उसने मना कर दिया। जितनी कम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में लिखोगे एड में उतना ज्यादा लाइकिंग होगी ये कस्टमर के एंड में। जितना लंबा टेक्स्ट लिखोगे लोग पसंद नहीं करते, व्हाट्सएप में कहानी नहीं पड़ता कोई, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। अगर आपको कम्युनिकेशन भेजना ही है, लोगों को अट्रैक्टिव बनाना ही है, कुछ कोई बात कहनी है तो पिक्चर में कह दो, आपकी इमेज कहती हो चीजें, आपको टेक्स्ट में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। इमेज आपकी इतनी एक्सप्रेसिव हो कि जो बात आप कहना चाहते हो लोगों को वो इमेज कह दे या वीडियो कह दे, पर आपका लंबा टेक्स्ट नहीं। और अगर बहुत लंबा टेक्स्ट अगर देना है तो आप YouTube लिंक रख दो, YouTube लिंक से वो ग्रुप में आ जाए, आप WhatsApp लिंक रख दो, WhatsApp के ग्रुप में आ जाए, वहां आप लोगों को टेक्स्ट दे देना लंबा पढ़ने को, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, पर यहां लंबा टेक्स्ट मत दो, नहीं तो एड की जो अट्रैक्टिवनेस है ना, जो इन्फ्लुएंसिंग उसकी जो फीचर है वो कम हो जाता है। तो इसलिए छोटा, शॉर्ट एंड स्विफ्ट, मुश्किल से 10 लाइन, 10 से ज्यादा लाइन है मत करो, नहीं तो लोग पढ़ेंगे नहीं, 10 लाइन में समराइज कर दो। और अगर ज्यादा लंबा एड है तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, लैंडिंग पेज, आप लैंडिंग पेज पे जा सकते हैं, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है बट हम आपको किसी वक्त बता देंगे उसको। तो ऐसे करके यहाँ तक एक क्लियर हो गए क्वेश्चंस, और कोई किसी का क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इमेज चेंज कर रहे हैं तो फिर दोबारा हमें सारा टेक्स्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा? नहीं मैम, बनाना नहीं है। नहीं मतलब कि लाइक सर मैंने टेक्स्ट अपना नोटपैड में या कहीं भी वर्ड में फाइल में पहले से तैयार किया हुआ था, हाँ? तो अगर मैं इमेज चेंज कर रही हूँ तो वो वापस मुझे वहां से फिर कॉपी पेस्ट करके लगाना है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट में एडिट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हम कैप्शन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, क्योंकि अगर इमेज चेंज करोगे तो आपको पूरी की पूरी एड ही चेंज कर रहे हो आप, ओके। और अगर आप टेक्स्ट में चेंज कर रहे हो तो कैप्शन चेंज कर रहे हो, वो बहुत इजी है, वो हैंडी हो सकता है व्हाट्सएप के एंड पर ही, ओके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन एड डिजाइन से रिलेटेड? सर आज के लिए इतना ही है ना, कुछ लोग जा रहे हैं, मेरे पास मटेरियल तो है कि मैं आज एक लेसन और कंप्लीट कर सकता था, पर अगर आज इतना भी क्लियर हो जाए तो विन-विन सिचुएशन है। हम बाकी चैप्टर में अगली क्लास थोड़ी आधे घंटे लंबी रख लूंगा, तो आप सब लोग अगली बार आधा घंटे का टाइम ज्यादा ले लेंगे तो मैं उस क्लास में ये जो टॉपिक आज बच गया वो मैं जरूर करा दूंगा उसमें। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? डे आफ्टर टुमारो। ओके, सेम शेड्यूल पर रहेंगे। यहाँ किसी का और कोई क्वेश्चन हो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। आज के लिए इतना ही है ना? हाँ सर, माफ करना, यस जा सकते हैं, मेरा मन तो था कुछ और भी कराऊं पर टाइम ने गवाही नहीं दी, आज डिस्टर्बेंस हो रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।